गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं अपने तीनों बालकनी में जो भी प्लांट्स रखे और इंडोर प्लांट्स रखे हैं उन सब का सेटअप दिखाऊंगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो एक ओवरव्यू वीडियो है। गर्मियों से पूरा गार्डन ख़राब होने के बाद मेरी ये कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी ऐड कर सकूं, और मोस्टली प्लांट अभी भी मैंने कटिंग से लगाए हैं। हालांकि पौधे बहुत ख़राब हुए थे, बहुत सारे मैंने खरीदे भी, लेकिन हम गार्डनर्स की हैबिट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऐड कर सके, और हमेशा यही चलता रहता है। तो सच कहूँ तो गार्डनिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं होती है, ये एक लाइफस्टाइल है। और ये कहिए कि गार्डनिंग एक प्यार है, गार्डनिंग एक फीलिंग है। तो उन्हीं फीलिंग्स को यहाँ मैंने शेयर किया आपके साथ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन अच्छा बनाने की हमेशा कोशिश करती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग ऐसी चीज़ है, आप खुद से जितनी भी कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। प्रकृति है, अपने हिसाब से चलती है, हम सिर्फ उसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ठीक हो जाए, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में पौधा चलेगा तो अपने हिसाब से ही। तो यहाँ पर अलामंडा की बेल है, पीले फूल आते हैं, आप तो आ ही रहे हैं, मॉनसून का सीज़न बेस्ट होता है। अमारिस लिली के बल्ब्स लगाए थे, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जितने भी रेलिंग प्लांटर्स हैं मोस्टली उनमें मैंने पर्सलिन और पॉटचुलाका लगाए हैं। नेक्स्ट सीज़न के लिए भी काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने इन बॉटल्स में लगा के बचा ली है, क्योंकि ये प्लांट सर्दियों में ख़राब होने के चांस रहते हैं। ये जितने भी आप छोटे छोटे से गमले लगे हैं, किसी में कैक्टस है, किसी में सकुलेंट है, और प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन एकदम से तो बड़े नहीं हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ही बड़े होंगे। और क्योंकि इनमें मोस्टली गमलों में कटिंग्स लगाई हुई है तो उनको समय लगेगा। यहाँ पर रेफिस पाम और ये सदाबहार का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ख़राब स्थिति में है, लेकिन यही तो गार्डनिंग है दोस्तों। कुछ ख़राब होता है तो उसकी जगह हमें कुछ नया लगाना होता है, और फिर सब्र करना होता है कि कब वो बड़ा होगा और कब हम उसे बहुत अच्छे से देख पाएंगे। प्रयास हमेशा करना पड़ता है। टोपियारी बनाना चाहा था कनेर की, लेकिन जैसा मैं चाहती थी वैसा बन नहीं पाया है, लेकिन प्रयास फिर भी करेंगे, कुछ ही दिन में प्रूनिंग करेंगे। और ये प्रयास कभी भी ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कहीं ना कहीं मिट्टी में लगा ही देते हैं। इस स्नेक प्लांट को अंदर से बाहर ला के रखा है ताकि थोड़ा और बरसात में अच्छे से ग्रो हो जाए। ज़्यादा प्लांट्स मिल नहीं पाते हैं तो कैक्टस ही लगा देते हैं, वो भी अच्छा पौधा है, आखिर बनाया तो भगवान ने ही है ना। यहाँ पर सुख शांति का पौधा, और ये हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, देखे पहली बार मैक्सिकन पिटूनिया मेरे बालकनी में फूल खिला रहा है। इलायची का पौधा, इधर सारे DIY। और ये पेंसिल प्लांट, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, जब से मैंने इसको लगाया है मेरा बढ़ रहा है और बहुत पौधे बनाए हैं। तो यहाँ की बालकनी में ये इस तरीके का सेटअप है, पहले से ठीक लग रहा है। और अब आते हैं किचन की बालकनी में, यहाँ पे भी प्लांट्स अपने सेट कर लिए हैं। कॉर्नर में ये स्टैंड है जिसमें कुछ पौधे लगे हुए, कुछ में नहीं है। और इधर कॉर्नर में बड़ा सा गमला जिसमें दो गुड़हल के पौधे हैं जिनकी परसों ही प्रूनिंग की है, अभी इधर भी पौधे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। देखिए, यही होता है सब्र, पेशेंस रखना। गार्डनिंग से हमें पेशेंस सीखने को मिलता है। 5 महीने के बाद इसमें ये पत्तियाँ आई हैं, तो 5 महीने का वेट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्र है। यहाँ पर अगेव, ये भी मेरा काफ़ी पुराना साथी है। सिरेमिक के गमले मैंने यहाँ लाइन से रख दिए हैं दोस्तों। स्टैंड अभी भी नहीं ख़रीदा है और कुछ ही दिनों में लेंगे, समय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर पैनीवोट, पेडीलेंथस, स्टारलेट फाइकस, और इस पौधे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और इधर भी फाइकस है, ये भी फाइकस है, मोंडोग्रास, लेडी एंथरा, और ये सब लोरोपिटालम, सभी बहुत लो मेंटेनेंस वाले पौधे लगाए हैं, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता है कि मैं दिन रात इनमें लगूं। इधर मिनी जेट के प्लांट है जो एक हैंगिंग शेल्फ में रखे हुए हैं, एक आंटी हमारी गीता आंटी उनके लिए एक आर्च टोपियारी तैयार कर रहे हैं। और इधर भी सिल्वर युक्का के पौधे ही लगाए हैं, देखिए इसमें भी अब जाके नई पत्तियाँ आई हैं। इनमें नहीं कुछ ग्रो होगा तो कुछ और बाद में ट्राई करेंगे। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना पड़ता है और करना भी चाहिए। ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हल्दी लगाई थी, लेकिन 2 महीने के बाद इसमें फुटाव आया, लेकिन आखिरकार
नया पत्ता आ ही गया। इसी तरीके से बस हम सब्र करते रहते हैं। इस स्टैंड के पौधों में भी पौधे ख़राब हुए थे तो अब तक असर है। तो मैं कोई नया पौधा अभी गई थी लेकिन बहुत सारे नहीं ला पाई, कुछ मैं घर से लेके आऊँगी जो मैंने सोचा है। यहाँ पर ये है। अब अपनी तीसरी बालकनी में आते हैं जहाँ से मैंने अपने सारे पौधे हटा लिए थे, बस ये स्टैंड रह गया था जिस पर मिनी जेड के प्लांट है। ये पौधे शुरुआत से ही बहुत अच्छे चल रहे हैं और अभी भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। एक दो की स्थिति ख़राब थी तो वो भी मैंने वीडियो बनाई थी कि जेड प्लांट ख़राब स्थिति में है तो कैसे बचा सकते हैं। तो ये अच्छे चलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही जगह पर रखे हैं और जगह घर में कहीं भी है, दीवार पे भी लगा ही दिए हैं। ऐसे ही होता है हम लोगों का मन। और आखिर में देखिए, ये कुछ पौधे मैंने अपने अंदर भी रखे हुए हैं। बहुत सारी वैरायटी नहीं है, गिनी चुनी वैरायटी है, जैसे सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, फाइलोडेंड्रोन है, ड्वार्फ स्नेक प्लांट है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट लगाए हैं ये, सैंसीवेरिया की लॉन्ग वैरायटी। इधर मैंने बनी कैक्टस रखे हैं जो टाइनी गार्डन जी ने भिजवाए थे, वेरीगेटेड स्नेक प्लांट। तो इस तरह के हार्डी पौधे जिनकी मेंटेनेंस कम होती है वो मैंने कमरे के अंदर रखे हैं। और बस यही रहता है कि ज़्यादा वैरायटी रखने का मन तो करता है लेकिन जो ग्रो कर पाते हैं आखिर में बचते वही हैं। तो निराश ना हो, जो भी पौधे आपके पास चल पाते हैं आप उनको रख लीजिए। दूसरों की होड़ में बहुत सारे पौधे लाकर उनको ख़राब मत करें, जो चलते हैं उनको रखें। और घर में अंदर भी कुछ ना कुछ पानी में भी रख लेती हूँ, जैसे पानी में मनी प्लांट रखा है, कुछ स्नेक प्लांट मिट्टी में ख़राब हो गए थे तो उनको पानी में रख दिया था, और यहाँ पर भी पत्तियाँ लगा के रखी है। तो बस इसी तरह से मेरा गार्डन है। किचन की बालकनी खिड़की में से झांक के दिखा रहे कि इस तरीके से लगती है, कोई आता है तो अच्छा लगता है, हम तो देख देख कर बोर हो गए हैं। और ये हमारे ज़्यादा पौधों वाली बालकनी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन दोस्त।